साहस सरोकार। मैनपुरी में एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला, युवा मोर्चा की गाड़ियों पर भी हुआ है हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां डंडे और पत्थरों से किया गया है हमला। करहल से भाजपा प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल। मंत्री की गाड़ी का शीशा टूटा और भागकर बचाई है जान। मैनपुरी में एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ है, जहां युवा मोर्चा की गाड़ियों पर भी हुआ है हमला। लखनऊ दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। लखनऊ में अलग अलग जगहों पर करेंगे जनसभा। डालीगंज निराला नगर में जनसभा करेंगे पीयूष गोयल। शाम 6 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सभा को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जहां लखनऊ में अलग अलग जगहों पर करेंगे जनसभा। डालीगंज निराला नगर में जनसभा करेंगे पीयूष गोयल। शाम 6 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सभा को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताई जा रही है, जहां लखनऊ दौरे पर आएंगे पीयूष गोयल, लखनऊ में अलग अलग जगहों पर करेंगे जनसभा। जहां डालीगंज निराला नगर में जनसभा करेंगे पीयूष गोयल, शाम 6 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है, पीयूष गोयल लखनऊ में जनसभा करने जा रहे हैं, जहां आज डालीगंज निराला नगर में जनसभा करेंगे पीयूष गोयल, शाम 6 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ दौरे पर आएंगे पीयूष गोयल। लखनऊ उन्नाव दौरे पर उमा भारती, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगी उमा भारती। उन्नाव के विदनु बाजार सरोसी ब्लॉक में करेंगी जनसभा। लखनऊ के गुरगुरी तालाब मैदान में करेंगी जनसभा। लखनऊ उन्नाव दौरे पर उमा भारती, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगी उमा भारती। उन्नाव के विदनु बाजार सरोसी ब्लॉक में करेंगी जनसभा। लखनऊ के घुरघुरी तालाब मैदान में करेंगी जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, लखनऊ उन्नाव दौरे पर हैं उमा भारती, जहां प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने आई हैं उमा भारती। उन्नाव के विदनु बाजार सरोसी ब्लॉक में करेंगी जनसभा। लखनऊ के घुरघुरी तालाब मैदान में करेंगी जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में उतरी है उमा भारती। चौथे चरण के प्रचार में जुटे दिग्गज, इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ पहुंचे भोजपुरी स्टार भाजपा सांसद मनोज तिवारी। सरोनी नगर प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे हैं मनोज तिवारी। सरोनी नगर से प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह। चौथे चरण के प्रचार में जुटे हैं दिग्गज, जिसके चलते लखनऊ पहुंचे हैं भोजपुरी स्टार भाजपा सांसद मनोज तिवारी। सरोनी नगर प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे हैं मनोज तिवारी। कानपुर देहात दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। विधानसभा के चारों प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसंपर्क। जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए जुटे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। मार्टी मुख्यालय में होगा जनसभा का आयोजन। कानपुर देहात दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। विधानसभा के चारों प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसंपर्क। कानपुर देहात में गर्जेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। रसूलाबाद प्रत्याशी पूनम संखवार के समर्थन में उतरे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मौर्य। अधिकारियों ने किया है सभा स्थल का निरीक्षण।
कानपुर देहात में उन्नाव में दलित युवती की हत्या का मामला, एक्सपर्ट के पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। पहली रिपोर्ट में नहीं दिखाई गई कोई भी चोट, पैनल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरी का खुलासा किया। युवती के परिजनों ने किया है प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव में दलित युवती की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके चलते एक्सपर्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पहली रिपोर्ट में नहीं दिखाई गई है कोई भी चोट, पैनल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरी का खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, युवती के परिजनों ने किया है प्रदर्शन। गांव में दलित युवती की हत्या का मामले सामने आया है, जहां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी इंजरी की बात नहीं कही गई, जहां दूसरी रिपोर्ट में इंजरी का खुलासा हुआ है। युवती के परिजनों ने किया है प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उन्नाव में दलित युवती की हत्या का मामला सामने आया था, जहां एक्सपर्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पहली रिपोर्ट में नहीं दिखाई गई थी कोई भी चोट के निशान, पैनल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरी का खुलासा हुआ है। युवती के परिजनों ने किया है प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर देहात में गरजेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। रसूलाबाद प्रत्याशी पूनम संखवार के समर्थन में करेंगे जनसभा, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। अधिकारियों ने किया है सभा स्थल का निरीक्षण। कानपुर देहात में गरजेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। रसूलाबाद प्रत्याशी पूनम संखमार के समर्थन में करेंगे जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। अधिकारियों ने किया है सभा स्थल का निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर देहात से बताई जा रही है, कानपुर देहात में गरजेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर वो जनसभा करने जा रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। मैनपुरी में एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला, युवा मोर्चा की गाड़ियों पर भी हुआ है हमला। डंडे और पत्थरों से किया गया है हमला। करहल से भाजपा प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल। मंत्री की गाड़ी का शीशा टूटा, भागकर बचाई है जान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है? जी, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले दो चरणों का जो मतदान था वो लगभग पूरी शांति के साथ निपट गया, लेकिन अब जब बात आती है तीसरे चरण और पूर्वांचल अवध और मध्य क्षेत्रों की, तो माहौल गर्माता जा रहा है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं, उनके काफिले पे कल देर शाम हमला होता है। और प्राथमिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक लाठी डंडे से उनकी गाड़ियों पे हमला होता है और खेतों के बीच से ईंट और पत्थर चलाए जाते हैं, जिसमें उनके जो समर्थक है घायल बताए जा रहे हैं। वही एसपी सिंह बघेल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक जो हमलावर है उनका पता नहीं चल पाया है, और देर शाम प्रचार करके एसपी सिंह बघेल अपने घर लौट रहे थे। और वही बताया जा रहा है कि 100 से 200 लोग ऐसा किए हैं, पथराव किए हैं। और एसपी सिंह बघेल ने खुद मैनपुरी पुलिस को फोन करके मामले को संज्ञान में दिया। जी विभांशु, क्या कुछ कारण है इस तरीके से हमला करने के पीछे?
जी अब तक मामला जो हमलावर है उनकी पहचान नहीं हो पाई है और शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो हम हमले का जो कारण है वो निकल के नहीं आ पा रहा है। बाकी मैनपुरी पुलिस संज्ञान में लेकर मामले की जांच कर रही है और जल्द से जल्द पूरा मामला जो होगा सच होगा वो सामने आएगा। और वही राजनीतिक कला भी बताया जा रहा है कि ये वो जो बात की जाए करहल सीट की, तो वहाँ 36% यादव जो मतदाता है, तो वही बात की जाए तो ये सीट समाजवादी पार्टी की कर है, तो वहां से जो केंद्रीय मंत्री है एसपी सिंह बघेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर हो सकता है कि ऐसा मतलब लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है और केशव प्रसाद मौर्य भी इस पे बयान दे चुके हैं कि अखिलेश यादव डरे हुए हैं और उन्हें हार का डर सता रहा है, अपने पालतू गुंडों को भेज कर ये केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमला करवा रहे हैं। ऐसा जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य उनका कहना है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। एसपी सिंह बघेल पर मैनपुरी में काफिले पर उनका हमला हुआ है, जहां युवा मोर्चा की गाड़ियों पर भी हमला किया गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगा है बड़ा झटका, गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का हुआ है निधन। मुंबई के एक हॉस्पिटल में बप्पी लहरी ने ली है अंतिम सांस। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी की कहा अलविदा। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगा है बड़ा झटका, जहां बप्पी लहरी की अचानक से निधन हुआ है। गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हुआ है, जहां मुंबई के एक हॉस्पिटल में बप्पी लहरी ने ली है अंतिम सांस। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी ने कहा अलविदा। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगा है एक और बड़ा झटका, जहां गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का हुआ है निधन। मुंबई के एक हॉस्पिटल में बप्पी लहरी ने ली है अंतिम सांस। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस कारण से इनका निधन हुआ है? जी आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध सिंगर और मिथुन और अनिल कपूर के समय के एकमात्र मतलब ऐसे कहे जा सकते हैं कि जो पार्टी के जो गानों होते थे उस पर साफ तौर पर बप्पी लहरी का कब्जा था, उनका आज मुंबई में निधन हो गया है। और वही बताना चाहेंगे कि बप्पी लहरी अपने गानों से पूरे भारत के साथ साथ जो पड़ोसी मुल्क हैं, हिंदी भाषी देश हैं, वहां इनकी अलग पहचान थी। और आज इनकी आपको बताना चाहेंगे कि अगर इनका करियर की शुरुआत की तो बंगाल से निकलकर और मुंबई का सफर किए थे और 69 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली है। और वहीं इसको देखते हुए जो फिल्म जगत है उसमें शोक की लहर आ गई है। और वही बप्पी लहरी का जो निधन है वो लगभग रात करीब 11 बजे हुआ और मुंबई के एक निजी अस्पताल में हुआ। जी विभांशु, क्या कुछ कारण बताया जा रहा है, क्या काफी समय से ये बीमार चल रहे थे? जी आपको बता दें कि बप्पी लहरी जो कि 70 साल में महज एक साल कम थे, और बताया जा रहा है कि इनको जैसे कई सारे मल्टी ऑर्डर डिसऑर्डर थे, जिसकी वजह से और ऑर्गन फेल की वजह भी बताई जा रही है जिससे इनका देहांत हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विमांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगा है बड़ा झटका, जहां संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हुआ है। यूपी में कोरोना की धीमी पड़ी है रफ्तार, इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना को लेकर लोहिया हॉस्पिटल ने जारी किया है आदेश, अब कोरोना जांच कराने की जरूरत नहीं। लखनऊ स्थित लोहिया हॉस्पिटल ने दिया है आदेश। यूपी में कोरोना की धीमी पड़ी है रफ्तार, इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना को लेकर लोहिया हॉस्पिटल ने जारी किया है आदेश, जहां अब कोरोना जांच कराने की जरूरत नहीं। लखनऊ स्थित लोहिया हॉस्पिटल ने दिया है यह आदेश।
पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत। सिंधु बॉर्डर के पास केएमपी एक्सप्रेसवे पर हुआ है बड़ा हादसा। किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे दीप, लाल किला हिंसा मामले में थे आरोपी। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में हुई है मौत। सिंधु बॉर्डर के पास केएमपी एक्सप्रेसवे पर हुआ है बड़ा हादसा। किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे दीप, लाल किला हिंसा मामले में थे आरोपी। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में हुई है मौत। किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे दीप, लाल किला हिंसा मामले में थे आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हुई है। जहां सिंधु बॉर्डर के पास केएमपी पर हुआ है सड़क हादसा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? जी, आपको बता दें कि पंजाबी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और सोशल एक्टिविस्ट दीप सिद्धू, जो कि जो किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान, जो 26 जनवरी के दिन लाल किले पे जो झंडा का मामला हुआ था उसके मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे, उनकी कल सड़क दुर्घटना पे मौत हो जाती है। वही आपको बता दें कि ये चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब से लेकर ये गोवा से लेकर हर एक जगह ये चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। इनको बताया जा रहा है कि साफ तौर पर ये कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। और सोनीपत पुलिस ने दीप सिद्धू की मौत की पुष्टि की और शुरुआत में इनकी मौत की खबरों को एक महज अफवाह बताया गया, मगर सोनीपत पुलिस ने इस पे ट्वीट करके जानकारी दी। और बताया जा रहा अपने दोस्तों के साथ पंजाब जा रहे थे ये दीप सिद्धू और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और वही जब तीन काले कानून की बात आती है किसान आंदोलन, तो उसमें इनको झंडे वाले मामले में मुख्य आरोपी बताया जाता है और ट्रैक्टर परेड के दौरान एक ट्रैक्टर चलाते हुए भी देखते हैं। विभांशु, तो बताना चाहेंगे जी, विभांशु जिस तरीके से आपने बताया कि अपने दोस्तों के साथ में जा रहे थे, क्या किसी और के जान मान की हानि भी हुई है? जी, आपको बता दें कि इनके साथ तीन लोग मौजूद थे, जिसमें दीप सिद्धू कार खुद चला रहे थे। इसमें दो लोग बुरी तरह से घायल हैं और दीप सिद्धू मौके पे ही दम तोड़ देते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि दीप सिद्धू का नाम है वो शुरू से ही अक्सर विवादों से जुड़ा रहा है और दीप सिद्धू पर खालिस्तान समर्थक होने का भी आरोप लगा था किसान आंदोलन के दौरान। और कहा जाता है कि जो कुख्यात आतंकवादी था जिसका एनकाउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी के शासन में 1984 में किया गया था, उस भेंडर वाला, उसके वो समर्थक था और उनके पदचिन्हों पर चलता था, मगर ऐसा महज लोगों का कहना है। और जब किसान आंदोलन होता है तो जो पक्ष के नेता है उनका कहना है, मगर समय समय पर उनके समर्थक पर अपनी राय रखती और काफी विवाद हुआ। दीप सिद्धू का जलंधर में SC ST Act के तहत मामला दर्ज हुआ और फेसबुक के दौरान लाइव के दौरान उन्होंने किसानों से बात करते हुए ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर SC ST Act भी कुछ दिन पहले उनके ऊपर लगा था। और वही अगर बात करें तो 1984 में इनका जन्म हुआ था और पेशे से ये वकील थे, मॉडलिंग से अपनी कैरियर की शुरुआत किए थे। और वही जो पंजाबी फिल्म है, जो यहाँ की क्षेत्रीय फिल्म है, उसमें अपना अभिनय किए और साथ ही साथ आगे चलकर वो सोशल एक्टिविस्ट बने। और कल रात उनका देर रात जो पानीपत एक्सप्रेसवे है उस पर उनका देहांत हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हुई है, गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। कोड़ा के शनि बाजार में महिलाओं ने किया है प्रदर्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे दो लोगों की हुई है गिरफ्तारी। कोड़ा के शनि बाजार में महिलाओं ने किया है प्रदर्शन, गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ बाल पुष्प
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।